हम आपको बताएंगे जॉइंट फिश, जुड़ा हुआ फिश, और दिल का शेप में हम बनाएंगे दिल का आकार। तो सबसे पहले हम दिल का आकार को बनाएंगे, सबसे पहले हम दिल बनाएंगे। तो लीजिए मैं आपके सामने ऐसा आधा दिल का हाफ शेप यहाँ हम बनाकर दिखा रहे हैं कि कैसे हम दिल का शेप में हम कैसे बनाएंगे। मेरे ये न्यू स्टूडेंट के लिए है कि कैसे हम इसका शेप बनाएंगे जो मेरा सही शेप आए, फैला हुआ दिल हो, और कैसे बनाएं। यहीं तक लाइन हम ऐसे यहीं तक छोड़ेंगे, पूरा हम इसमें टच नहीं करेंगे। अब ये फोल्ड पन्ना फोल्ड करके हम बना रहे हैं। अब इसको खोलेंगे यहाँ तो यहाँ ऐसा उभार आप देखेंगे कि ऐसा दिल का शेप बना हुआ है। अब नहीं आया उभार तो मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, और जहाँ लाइन है उसको ऐसा ट्रेस करेंगे। जहाँ जहाँ लाइन दिख रहा है वहाँ से ऐसे हम इसका उभार लाने का कोशिश कर रहे हैं कि उस तरफ भी मेरा आ जाए। अब देखिए थोड़ा थोड़ा आ गया है उभार, ये लाइन से ऐसे 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 ये ऐसे यहाँ तक हमने ऐसे लाया, बस यही तक हम कहे थे कि छोड़ने के लिए। अब आपका दिल का शेप बन गया। अब यहाँ हम इसको बनाएंगे फ्रेश में, जब समझ जाएंगे। पहले यहाँ देखिए, यहाँ से हम ऐसा इसका यहाँ से शुरुआत करेंगे। अब आपका दिल का शेप ऐसा बना, ये दिल बन गया आपका। अब इसको यहाँ से ऐसे इसका मुंह बनाएंगे, यहाँ राउंड करेंगे, ये किल नुमा है ना, इसको गुंबद नुमा ऐसे बनाएंगे। ये इसका ये गुंबद नुमा बना आपका। इसके बाद इसका पेट बनाएंगे हम, तो ऐसा बनाए एक फिश का ऐसा। अब ये हिस्सा यहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ से इसको छोड़ देना है, इसको सुराही की तरह हमको ऐसे लाना है। यहाँ देखिए कि हम सुराही का शेप कैसे बना रहे हैं। अब ये यहाँ से ऐसे सुराही का शेप, सुराही जानते हैं ना, गर्मी में पानी ठंडा देती है हमको, ऐसा सुराही का शेप यहाँ से लाए। ठीक इसके लाइन के बाद यहाँ से ऐसे हमने को ऐसे कर दिया। अब ये सुराही हुआ कि नहीं बताइए। अब ये सुराही हो गया आपका। ये ऐसा करेंगे यहाँ से राउंड, यहाँ से पेंदी बनाएंगे तो आपका सुराही हो जाएगा। ये सुराही का शेप यहाँ से आया। अब दूसरा बनाएंगे हम इसको, यहाँ से इसको मिटा देंगे, पूछ बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से जो मुराव आपका आया है वो उसी तरह से आप ऐसे मुराव, यहाँ से लाइन यहाँ आया है इतनी मोटाई पर, यहाँ पर है तो इतनी मोटाई पर आप लेंगे। यहाँ से मुराव आया है कहाँ से, ऐसे किया हमने, फिर इसका पूंछ बनाया। ये थोड़ा सा मोटा है, ये पतला है, थोड़ा सा इसको और भी हम इसको फाइनल जब तक करेंगे तब आपको दिखा दें। ये यहाँ ये दिल का शेप बना हुआ है। अब इसमें आपको हम फेस बना के ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ तक ऐसा लाइन लिए, यहाँ हटाइए। ये इसमें भी आप ऐसे दिल बना का शेप में ऐसे बना सकते हैं आप। ये लाइन को नीचे की ओर ले लेना है। बस यही तो इसी शेप को हम यहाँ पर ऐसे आपको दिखाए हैं। अब इसमें हम यहाँ पर आपको बता देंगे कैसे भरेंगे इसका। सबसे पहले हम इसको डबल लाइन करेंगे,
अब ये डबल लाइन हम ये सब में डाल दिए, यहाँ पर इसका ये मुंह बनाइए आप इस तरह से। पंख बनाएंगे फिर अब इसमें बीच में डिजाइन करेंगे। आप ऐसा छिलका भी दे सकते हैं। अब यहाँ से हम ऐसे बना रहे हैं और ये यहाँ से ऐसे मुराव इसका है, मुराव का भी ऐसा फिलिंग देंगे फिलकर बनाते समय। देखिए आप यहाँ पर, यहाँ से हमने बढ़ाया इसको। छिलका दोनों बना, अब यहाँ पर इसको जैसे एक कलर आप ग्रीन से भी दे सकते हैं, डार्क ग्रीन से भी कचरी कर सकते हैं आप, डार्क ग्रीन से भी कचरी एक खाली छोड़ सकते हैं, एक ऐसा कचरी दे सकते हैं। कलर से भी आप कचनी कर सकते हैं, कलर से एक ऐसा कचनी करके आप इसमें डिजाइन दे सकते हैं। अभी ये पूछ का है, इसको डबल हमने किया।
डार्क ग्रीन से आप ऐसे कटिंग कर सकते हैं। कलर आप यहाँ पर रेड से कीजिएगा, ये डार्क ग्रीन से ऐसा हुआ आपका इसका सूर। फिर इसमें आप ऐसा डिजाइन से कोई एक खाली एक कलर, एक खाली एक कचनी ऐसा करके आप कर सकते हैं। कलर आपका ये जॉइंट पीस हो गया है और ये दिल का शेप में हम बनाए हैं। जो पहले सुबह दिल बनाएंगे उसके बाद सुराही का शेप यहाँ से आप बनाए, आपको दिखलाए कॉपी में, आप भी ऐसा कोशिश करेंगे। दूसरे क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। जंपिंग पीस कैसे बहुत सारी मछलियाँ जंप कर रही है और कैसा जंपिंग पीस बनाएंगे कैसा, ये आपको हम बताएंगे। ये ऐसा कलर करके एक खाली एक कलर ऐसा कर सकते हैं, आप भी अपने घर पर बनाएंगे, अपनी कॉपी में एक बार नहीं हजार बार बनाएंगे। ऐसा पन्ना फोल्ड करके आप भी ऐसा दिल का शेप ले सकते हैं। और नए स्टूडेंट जो हैं मेरे वो सब्सक्राइब करेंगे। यही मेरा ये तो यही गुरु दक्षिणा हुआ या फीस कहिए, आप लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और क्या, और बनाइएगा हैंडमेड पेपर पर बाज़ार से लेकर के बनाइएगा।